है तू? सुना है गद्दी के लिए किसी को भी मार सकता है। चल तेरे साथ एक गेम खेलते हैं। तेरा भाई शहर से बाहर है ना, बचा सकता है तो बचा ले। अरे यह सब क्या चल रहा है? तुम इतने आराम से दम पे दम सपाटे मारे चले जा रहे हो। वह अभी शहर से बाहर है। अरे तुम क्यों सुन नहीं रहे हो? अरे अभी भी सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? अरे तुम लोग यहीं पे खड़े हो? जल्दी जाओ मेरे बेटे के पास। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो इन लोगों से? मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। रॉकी, जकीरा को फोन लगाओ। हेलो जकीरा, हेलो भैया जी, उस साले भैरवनाथ का भाई काशीनाथ हमारे सामने ही है, बोलो तो इसे यहीं ठोक दूं। अपने सारे लवंडे मारे गए हैं क्योंकि उसके साथ जकीरा है। तुम लोग वहां से जल्दी निकलो। मैं यहां से जल्दी जल्दी निकलो। यह है भारत का सबसे खतरनाक प्रदेश उत्तर प्रदेश। इससे भी भयानक इसका एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। यहाँ इंसान शुरुआत से ही कलम से ज्यादा बंदूकें चलाता है, और बंदूकें इसलिए चलाता है सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए। इस जिले का एक सिद्धांत है, जो गद्दी पर पड़ा होगा वही आजमगढ़ में सबसे बड़ा होगा। इस जिले के सारे जगह की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ जो भी गद्दी पर बैठा है उसकी इजाजत के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भैरवनाथ, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इससे गद्दी छीन पाए। पिछले 20 सालों से इसका दबदबा पूरे आजमगढ़ में कायम है। जाली नोट और ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। हे भोलेनाथ, भैरवनाथ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि पूरे आजमगढ़ दबदबा मेरा बना रहे। हर हर महादेव। यह है इसका खास आदमी जकीरा। ब्रह्मौर का कट्टा खरीदने और बेचने और मर्डर और हफ्ता वसूली, जितने भी गलत काम होते हैं सब इसकी देखरेख में होते हैं। अब इसके धंधे पर दो गरीब लड़कों की नजर पड़ी हुई है,